Yes. Wish you a happy Diwali. This is Niharika. It's Ganesh. Welcome to our YouTube channel Foodinate. और आज हम किसी रेस्टोरेंट का रिव्यू करने नहीं जा रहे हैं बल्कि प्रयागराज को दिखाएंगे। सिविल लाइंस में इस टाइम है हम सुभाष चौराहे पे और आपको सिविल लाइंस का एक फेस्टिव लुक, दिवाली वाला लुक आपको दिखाने जा रहे हैं और साथ में करेंगे हम कुछ शॉपिंग और हम करेंगे कुछ स्ट्रीट फूड का रिव्यू। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉप में इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, यहाँ पे लाइटनिंग इतनी अच्छी है, इतनी ब्यूटीफुल लग रहा है ये। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं दिवाली लाइटनिंग का फेस्टिवल है, तो आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही जम के हर तरफ लाइटनिंग हुई है, सब बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है। हमारी शॉपिंग, घूमना फिरना सब हो चुका है और अब हम चलते हैं कुछ खाते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं रामू रोल कॉर्नर पे। सो चलिए इनके ओनर से बात करते हैं। सर, आप यहाँ पे कब से लगा रहे हैं ये? को साल भर हो रहा है। और टाइमिंग क्या रखते हैं? टाइमिंग है हमारा 3 बजे से 10 बजे तक। और आपके यहाँ का स्पेशल क्या है? कुछ स्पेशल हमारे यहाँ का है पनीर रोल, बहुत बेस्ट यहाँ पर फेमस है। तो चलिए हम यहाँ पे पनीर रोल ट्राई करते हैं और बताते हैं ये कितना टेस्टी है। ये हमारा पनीर रोल आ चुका है, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं ये कैसा है। बहुत डिलीशियस है यार, बहुत डिलीशियस है। काफ़ी स्पाइसी भी है ये और जो इसके अंदर चटनी वगैरह इन्होंने डाली है बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अनियन वगैरह है, पनीर काफ़ी बहुत अच्छे से भरा है इन्होंने इसमें। बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका यार, बहुत ही टेस्टी है। सो गैस, इसको जल्दी फिनिश करते हैं और चलते हैं अपने दूसरे स्ट्रीट फूड को खाने। सो गाइस, हमने रोल खा भी लिया, उसको पैक भी करा लिया है और ये जो रोल कॉर्नर है ये लुइस फिलिप्स के शोरूम के सामने है, तो आप यहाँ ज़रूर विजिट करिए और इनका रोल तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। पनीर रोल तो आपको ट्राई करना ही, बहुत ही डिलीशियस है। सही है, बहुत डिलीशियस, रियली डिलीशियस, बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने पैक भी करा लिया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट फूड की तरफ, तो स्टे ट्यून। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रीट फूड डेस्टिनेशन में, जो कि सुभाष चौराहे के एकदम बगल में है और रूप लक्ष्मी कलेक्शन के पास है। नाम है बालाजी चाइनीज पॉइंट। तो भैया, आपका नाम क्या है? अनुराग मेहरोत्रा।
तो अभी ये कब से यहाँ पे लगा रहे हैं दुकान? एक साल दो महीना हो गया। एक साल दो महीना हो चुका है आपको, तो टाइमिंग क्या है आपकी यहाँ पे? सुबह 10 से रात 11। सुबह 10 बजे से आप यहाँ लगा देते हैं दुकान? बहुत अच्छी बात है यार। तो आपका यहाँ पे फेमस क्या है? मेरे को मसाला मैगी है, अल्फाबेट कटलेट, चीज कटलेट वहाँ से फेमस है। अच्छा, तो चलिए फिर आप हमारे लिए जो भी आपकी फेमस मैगी है वो आप हमें इसको ट्राई करवाइएगा, ठीक है? तो गाइस हमारी मैगी आ चुकी है, तो चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मशरूम कॉर्न वगैरह इन्होंने बहुत अच्छे से डाल रखा है, तो इसको चलिए टेस्ट करते हैं। बहुत टेस्टी है यार, बहुत टेस्टी है, एकदम डिलीशियस यार। और इसका टेस्ट वाकई में बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मैगी पसंद है, आप मैगी लवर है, तो इनकी मैगी ज़रूर ट्राई करिएगा। मशरूम कॉर्न सब का यूज़ किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है भाई। हमारा सेकंड फूड आइटम है, इसको चीज़ कटलेट बोलते हैं, इसके अंदर चीज़ की फिलिंग्स है, तो चलिए इसको भी हम ट्राई करते हैं। इतना सॉफ्ट है यार भाई, इसमें चीज़ और कॉर्न की फिलिंग है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। डिलीशियस है, डिलीशियस, गरम भी है बहुत। हमारा थर्ड आइटम आ गया है जो कि है अल्फाबेट नगेट्स। इसमें ये सारी चीज़ें अल्फाबेटिकल में है, तो इट्स माय जी, इसको मैं टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी है ये भी, बहुत ही गर्म है, इन्होंने अभी तुरंत ही इसको खाना है। पहली बार इतना सॉफ्ट मैंने कभी नहीं खाया, बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये। तो गाइस हमने यहाँ पे तीन चीज़ें ट्राई करी, तीनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे से इन्होंने सर्व किया था, तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। बालाजी चाइनीज़ पॉइंट इनकी शॉप का नाम है, तो इनके यहाँ ज़रूर ट्राई करिए। और सही में आपको इतना पसंद आएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही डिलीशियस था। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारे पेज को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए। स्टे सेफ, लिव बेटर, बाय गाइस, हैप्पी दिवाली।